तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्या आपके घर में कोई बच्चा बॉर्न होता है, या तो फिर कोई अलग चीज़ या कुछ भी अच्छी चीज़ बॉर्न होती है और आप बोलते हैं यार मेरे पास पैसा नहीं है, ये बच्चा बॉर्न हो गया, तो वो आपको क्या होता है उसकी वजह से। मैं आप लोगों को पहले बताना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ बॉर्न होती है ना, तो वो उसका लक उसकी रोज़ी लेके आता है, आपको और पैसे वाला बना सकता है, ये सच है। मैं आप लोग को पूरा ये बताऊँगा कि देसी लोग क्या बताते हैं, ये क्यों ऐसा है और ये क्या सही में होता है। ये वीडियो के अंदर छोटी रहेगी बड़ी नहीं रहेगी, एंजॉय करो, 1 मिनट भी स्किप नहीं करना, बहुत मजा आएगी। बहुत जान रहते हैं मालूम है जो भाई, उन लोग शादी कर लेते हैं और उन लोग को बच्चा होने वाला होता है, उन लोग सोच में पड़ जाते हैं कि भाई बच्चा होएगा तो पैसा कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास पैसा ही नहीं है, उसकी स्टडीज कहाँ से करवाऊंगा, उसका ये कहाँ से करवाऊंगा, उसका वो कहाँ से करवाऊंगा। तो एक्चुअल में ऐसा माना जाता है देसी लोग में कि उन लोग जब कोई बच्चा पैदा होता है या कोई भी अच्छी चीज़ होती है या कोई भी एक मेहमान आता है आपके घर में, तो उसकी रोज़ी उसका लक आपके साथ आता है। अभी आपका कोई बच्चा पैदा हुआ और आपके पास 10 रुपये अकाउंट में, अब उसकी जो ऊपर वाले ने लिखा है कि इसको इतना पैसा मिलेगा, तो वो आपके अकाउंट में आते ही रहेगा, आते ही रहेगा। आप बोलेंगे यार मैं इतना अमीर कैसा हो गया है, तो वो आपके बच्चे की वजह से हुआ। अगर आप सोचते हो कि मेरे को बच्चा ही नहीं करना है क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, तो ये गलत बात है। ये 100% रियल है, मैंने मेरी आँखों से देखा हो, सिर्फ मेरे मेरे इधर ही नहीं, मतलब कितनी फैमिलीज़ में मैंने देखा हो। एक आदमी था, मैं इसकी रियल स्टोरी बताता हूँ, उसका नाम नहीं लूँगा, वो नहीं चाहेगा मैं उसका नाम लूँ, ये रियल स्टोरी है मजाक के अलावा। तो उसके अंदर क्या हुआ था, वो ये ना हमेशा बोलता था कि यार मैं बच्चा नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं, उसके माँ बाप भी नहीं थे, बोले मैं बच्चा नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास पैसा भी नहीं, मेरी जॉब है जो 10,000 रुपये की जॉब है। तो उसको बोलते थे कि यार तू 10,000 रुपये की जॉब, वो भी है ना मतलब एक प्यून टाइप था, तो बोले 10,000 की जॉब में क्या करेगा तू, क्या करेगा, सब लोग उसको यही बोलते थे बच्चा मत कर। अभी अचानक उसको मालूम पड़ा कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट हो गई, अब उसको रियल में बच्चा होने वाला था ना, तो वो कैसे भी जमा करता था पैसे, लोगों से जाके मांगता था, कुछ भी करता था, दूसरी दूसरी जॉब्स करता था, एक साथ 2-3 जॉब्स करता था, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा पैसे मिले। मगर वो बेचारा क्लर्क प्यून, उसको क्या मिलेगा, उसको 12 से 13 हज़ार रुपये मिलते थे अगर 2-3 जॉब करता था तो भी, क्योंकि वो जॉब का टाइमिंग ज़्यादा हो जाता था। अब वो बेचारा कमाने लगा, लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसका, उसकी तरक्की अलग ही हो गई। उसने ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया था पैसा, बोलते उसके मतलब गांव में था पैसा, वो निकाल के उसने ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया था, थोड़ा पैसा था, 1-2 लाख रुपए। अब वो 1-2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया ना उसने, वो आज करोड़पति बन गया, लिटरली। मैं मजाक के अलावा, उसके पास क्या नहीं है, लेकिन वो किसी को बताता नहीं है कि भाई मेरे पास ये है, मैं फरारी में घूम रहा हूँ, लैम्बोर्गिनी में घूम रहा हूँ, नहीं, वो खरीद सकता है लेकिन वो नहीं घूम रहा है। लेकिन वो क्यों हुआ, क्योंकि उसका बच्चा बॉर्न हुआ, वो एकदम तरक्की पे आ गया। तो ऐसे ही रहता है कि है ना, अगर आपके घर में कोई न्यू मेहमान आ रहा होता है, जिसे बच्चा बोलते हैं, वो अगर आ रहा होता है, तो वो उसका लक और उसकी रोज़ी आपके साथ लेके आता है, जो आपके साथ जुड़ जाती है। अगर आपके अकाउंट में 10 रुपये, आपका बच्चा हो गया, आप सोच रहे इसको भी मैं रख दूँ किधर भी, इसको इधर छोड़ दूँ, उसको इधर छोड़ दूँ, मैं नहीं पाल सकता हूँ, नहीं, वो आपकी रोज़ी वो आपको डबल कमा के देगा, मेरी गारंटी है। तो अगर जो भी बच्चे लोग करते हैं, जो भी लोग करते हैं कि बच्चा हमें इसको इधर दे देवे, हम इसको इधर दे देवे, दूसरे को दे देवे, हम नहीं पाल सकते, नहीं, आप कोशिश करो, आप थोड़ा टाइम रुको, आप सब्र रखो, आपको लिटरली बोल रहा हूँ, अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हो ना दिन महीने के, आप करोड़ों रुपए कमाने लगेंगे। और ये मेरे एक घर का नहीं है, एक घर का नहीं सुनाओ, मैं ऐसे बहुत अलग अलग घर के सुनाओ, मैं मेरी आंखों से देखा हूँ। आप खुद अगर है ना किसी भी दोस्त या रिलेटिव के पास जाके देखेंगे, जो बच्चे के पहले कैसे थे और बच्चे के बाद कैसे हो गए पैसे वाले, आपको खुद को मालूम पड़ जाएगा कि क्या होता है। ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो आपको नेक्स्ट क्या देखना है। ये मैंने छोटी सी ऐसे ही मेरी सोच बता दिया, अगर आपको अच्छी लगी होगी तो शेयर करना लोगों के साथ। अगर आपको यूट्यूबर बनना है तो नीचे अमेजन फ्लिपकार्ट के लिंक दिया होगा, आप जाके सामान खरीदो, रिंग लाइट मस्त यूट्यूब वीडियोज़ बनाओ, ज़्यादा करके शॉर्ट्स बनाओ, शॉर्ट वीडियो ज़्यादा देखते, लॉन्ग वीडियो आजकल कोई नहीं देखता, किसी का इतना टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए, आप सिर्फ स्क्रॉल करते रहो, देखते रहो, तो आप रील्स बना सकते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स बना सकते हो, उस पर आप ज़्यादा कमाई भी होती है, अगर आपको स्पॉन्सर्स मिल गए तो बनाओ, कोई वादा नहीं, कभी ना कभी कोई तो सक्सेस होएगी। आप टेंशन नहीं लेने का, जो भी चाहिए करो, और जो भी मेरे को आपको बताना है कि ये वीडियो बनाओ फुरकन, कमेंट करो, मैं 100% बनाऊंगा आप लोग के लिए। इन्जॉय करो लाइफ।